हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज तीसरा दिन है। हम लोग टिहरी में रुके हैं। होटल का नाम है ली ग्रैंड होटल। ये कोटी में पड़ता है। इट्स बेसिकली ऑन द रोड ओनली। और अगर यहाँ से अगर ये देखेंगे, टिहरी डैम इज़ ऑलमोस्ट क्लोज बाय और नज़ारे बहुत बेहतरीन है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बाद बाकी जस्ट शोइंग यू द रूम व्यू। ये इस द रूम बाय द वे। तो आज का प्लान है, आज हम लोग यहाँ से अब 9:30 तक चेकआउट करेंगे और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार से बैक टू होम। अभी आपको यहाँ से होटल से नज़ारे दिखाता हूँ। टिहरी डैम, ये देखो, ये होटल से नज़ारे, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं चारों तरफ। वो वहाँ पर जो एरिया है, वो बेसिकली अगर आपने कुछ बच्चों के लिए घूमने का या और कुछ करना है तो वहाँ पर सामने अगर आप देखो तो उस जगह जाकर वाटर राफ्टिंग या वाटर स्पोर्ट्स जो भी करना है कर सकते हैं। तो हम लोग 9:30 निकल के वहाँ पहले जाएंगे और वहाँ से हरिद्वार के लिए मूव करेंगे। बाद बाकी ये देखो, सो गाइज, ये हम आ चुके हैं टिहरी लेक का जो बोटिंग एरिया है। और ये देखो व्यू इसके चारों तरफ, दे हैव एम्पल पार्किंग हियर, गुड स्पेस। उधर कुछ आपके मैगी चाय वगैरह मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में अगर देखोगे। देन टॉयलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। ये यहाँ पर आपकी कार सॉरी ये बोटिंग होता है। एंड देन अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, टिहरी डैम का जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था वर्क, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1972। और ये बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पे भागीरथी और वीलांगना नदी, ये दोनों का फ्लो जो था बहुत ही फास्ट था। तो इसलिए ये प्लान था कि यहीं पे टिहरी डैम का निर्माण हो। और इसमें ऑलमोस्ट मतलब टिहरी के पूरे पुरानी टिहरी को डुबो दिया गया था। ऑलमोस्ट 1,00,000 परिवार इससे प्रभावित हुए थे। दो उनको फिर बसा दिया गया नई टिहरी में। बट इसका बहुत सारा बेनिफिट है। करेंटली अभी जो यहाँ है 2400 मेगावाट के अराउंड में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है और 2025 तक प्लानिंग है इसको और भी ज़्यादा बढ़ाए जाने का। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके वजह से रोज़गार आप देखो तो बहुत सारे मिल रहे हैं। सो रियली अ नाइस व्यू। चलिए चलते हैं और आगे आगे देखते क्या क्या है।
सो गाइज फाइनली वी आर एट हरिद्वार। सो सॉरी अभी ये वीलॉग मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, और अगर आप देखोगे वो उधर सामने गंगा जी का मंदिर है और ये सारे घाट हैं। पहले से तो बहुत साफ सुथरे लग रहे हैं सारे, और रस उतना नहीं है बट ठीक है। और ये साइड साइड आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग मांगने वाले, कुछ बेचने वाले, ये सारे आपके यहाँ पर बसते थे। और ये आपका घाट, आगे अगर आप देखोगे ये पूरा घाट है, आगे आगे भी घाट है, उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वो पूरा का पूरा मार्केट एरिया कहलाता है। ये पूरा इसके आगे जो होटल गंगा लहरी लिखा हुआ उसके आगे देखो तो पूरा मार्केट एरिया है। देयर यू विल फाइंड चोटी वाला रेस्टोरेंट, और भी बहुत सारे शॉपिंग अगर आपने करनी है, मनसा देवी मंदिर जाना है, वो ऊपर अगर आप देखोगे तो मनसा देवी मंदिर, तो ये सारा रास्ता यहाँ से कटता है। यहाँ साफ सफाई चल रही है, और ये जो जगह है यहाँ पर गंगा आरती होती है। ये जगह ये देखो भाई साहब साफ सफाई कर रहे हैं, गंगा आरती यहाँ पर उस तरफ होगी, उस तरफ तो, और वो सामने देखोगे वो मंदिर है माता गंगा का।